गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और ये है वीडियो नंबर 45। इससे पहले के सारे वीडियोस के अंदर हमने मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम पॉइंट पे चलेंगे। आज का जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर हम आपको किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 3, 4, 5, 6 जैसे रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करना है वो हम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। अब 1/2 और 3/4 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे कई सारे रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोले जाते हैं और आपको दो रेशनल नंबर के बीच में 2, 3, 4, 5 ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है इसको। इसके लिए दो स्टेप है। स्टेप वन के अंदर पहले यहाँ पे मेरे पास 1/2 के अंदर और 3/4 के अंदर 2 और 4 नीचे दिया हुआ है, तो पहले तो मुझे इनका एलसीएम सेम करना होगा। और सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे जितने नंबर मुझे ढूंढने हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन में 5 नंबर्स ले रहा हूँ ढूंढने के लिए, तो जितने नंबर आपको ढूंढने हैं प्लस 1 करके आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। कैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहला नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है 3/4। अब मुझे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ये कैसे होगा? तो हम पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। पहले हम 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, और वैसे भी आपको मालूम है 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 ही आता है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप हमारी बेसिक वाली वीडियो सीरीज को एक बार फॉलो कर लीजिए, उसमें एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, मल्टीपल सब कुछ सिखाया हुआ है, तो आप पहले वो भी एक बार चेक कर लीजिए। तो मुझे मालूम है कि 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आने वाला है, तो मैं पहले 1/2, मैं यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिलेगा, तो 2 को 2 से करने पे 4 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करवाया है तो मुझे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ऑलरेडी 4 है इसीलिए मैं क्या करूँगा कि 4 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो अब ये 2/4 हो गया और ये 3/4 हो गया। अब नीचे के दोनों के एलसीएम सेम हो गए हैं। अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे मुझे 5 नंबर्स चाहिए थे, तो नंबर प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं क्या करूँगा कि इनको 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जितने नंबर चाहिए प्लस 1 करके उसको मल्टीप्लाई करा देना है। अगर 3 नंबर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कराना है, 4 नंबर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कराना है, इस तरीके से। यहाँ पे 5 नंबर चाहिए इसलिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 2 6 12, 4 6 24, और 3 6 18, 4 6 24। अब देखो नीचे का दोनों का एलसीएम सेम आ गया है। ये 12 के बाद आप ले सकते हो 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 और 17/24। आपको 5 नंबर चाहिए थे और देखो एग्जैक्ट आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो। हर एक के अंदर इसी मेथड को फॉलो करना है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, और ये मेथड हर क्वेश्चन में फॉलो करेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये 1/2 के आगे माइनस की साइन मिल जाती है, तो कभी कभी यहाँ पे माइनस की साइन मिल जाती है, तो आपको माइनस की साइन देखकर डर नहीं जाना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। बस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से ही चलना है। चाहे माइनस कितनी भी बार आ जाए कोई चेंजेस नहीं होगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड से कर लोगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको स्टेप 1 करने के बाद ही आपको आंसर मिल जाता है, तो स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं रहती है। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।